अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू नामे के आज के इस प्रोग्राम में आप सभी का खैर मकदम है। उर्दू सहाफ़त के 200 बरसों की तकमील पर हमारे जो खसूसी एपिसोड्स हैं उसी के साथ हम आज हाजिर हैं। आज के इस एपिसोड में हमारे जो मेहमान हैं वो दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम सबसे पहले हमारे आज के मेहमान का तारुफ करवाना चाहेंगे। सीनियर सहाफ़ी, तज़िया निगार, बल्कि मैं ये कहूँगा कि उर्दू के वो उर्दू सहाफ़त के हवाले से जिस तरीके से जी डी चंदन को कहा जाता था कि वो इंसाइक्लोपीडिया हैं, ऐसे ही उर्दू सहाफ़त के बहुत ही 12 से जायद किताबें आपकी हैं जो अभी मंजर आम पर आ चुकी हैं। मेरी मुराद है जनाब सोहेल अंजुम साहब से। सोहेल अंजुम साहब, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप अपनी मसरूफियात के बावजूद आज की इस गुफ्तगु के लिए आपने वक्त निकाला, बेहद शुक्रिया आपका। ये आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारी आज की गुफ्तगु का मौजू जनाब सोहेल अंजुम साहब की जो ताज़ा तरीन तसनीफ है उस हवाले से है और मेरी मुराद है जदीद उर्दू सहाफत का मेमार कौमी आवाज़। इस मौजू पर आज हम बात करेंगे और ये हमारी जो गुफ्तगू है इस गुफ्तगू का जो पस मंज़र है वो उर्दू सहाफत के 200 बरसों की तकमील है और जो कौमी आवाज़ अखबार था उसकी अपनी एक तारीख है। तो इस किताब के जो मुसन्निफ़ हैं, इस किताब को लिखने वाली जो शख्सियत है वो हमारे साथ है। सोहेल अंजुम साहब, मैं सबसे पहला आपसे जो सवाल करूँगा कि इस किताब के हवाले से आप बताइएगा कि इब्तदाई तौर पर चंद एक मजामीन तो मैंने भी पढ़े थे कौमी आवाज के हवाले से, ये किताब लिखने का ख्याल आपको कैसे आया और कैसे आपने काम शुरू किया? सरवरी साहब, मैंने कौमी आवाज में, कौमी आवाज के शोबे अदारत में तकरीबन तेरह साल गुजारे थे। अभी एक डेढ़ साल पहले मेरी ये ख्वाहिश हुई कि मैं कौमी आवाज की अपनी यादों को क्यों ना कलमबंद कर दूँ, तो मैंने लिखने का सिलसिला शुरू किया। वो 10-15 सफ़ात तक वो गया, उसके बाद फिर ख्याल आया कि भी बहुत सारी चीज़ें रह जा रही हैं, उनको भी इसमें समेटना चाहिए, उनको भी मैंने लिखना शुरू किया, तो फिर 25-30-35 सफ़ात तक फैल गए। फिर मेरे जहन में एक ख्याल आया कि कौमी आवाज़ की तो एक तारीख है और 5 जगहों से उसकी अशात थी, तकरीबन 63 बरसों तक उसने उर्दू सहाफत की खिदमत की है, तो क्यों ना कौमी आवाज के सिलसिले में कोई किताब ऐसी तसनीफ की जाए जिसमें कौमी आवाज के तमाम एडिशनों का जिक्र आ जाए और उसकी तारीख भी उसमें आ जाए। तो इस सिलसिले में हमने पहले तो ये जानने की कोशिश की कि क्या कौमी आवाज पर कोई किताब आई है, तो हमने कौमी आवाज से वाबस्ता जितने भी पुराने सहाफ़ी थे जो भी अवेलेबल हो सके उनसे हमने मालूम किया, खासतौर से लखनऊ, बम्बई और पटना में। तो सबने यही कहा कि नहीं, कौमी आवाज पर तो अलग से कोई किताब नहीं आई है, अलबत्ता इक्का दुक्का लोगों ने मजामीन लिखे हैं और लखनऊ के रसाला नया दौर ने सहाफत नंबर निकाला था चंद साल कबल, तो उसमें कौमी आवाज़ पर कुछ मजामीन थे। फिर मैंने उन मजामीन को हासिल किया और फिर मेरे जहन में ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं ही इस काम को कर डालूं कि उसकी सहाफती तारीख और उसकी खिदमात का अहाता हो सके। हालांकि दिलचस्प बात यह भी है कि मैं आपको बताऊँ कि मैं दिल्ली के कौमी आवाज़ का ऐसा आखिरी सहाफ़ी था जिसका तकरूर हुआ था। मेरे बाद किसी और सहाफ़ी का तकरूर नहीं हुआ, बल्कि आप कह सकते हैं कि कौमी आवाज़ के शोबे इदारत का जूनियर तरीन शख्स में था। इसके बावजूद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं, मेरे ऊपर जो कौमी आवाज़ का कर्ज है उसको मैं इस तरह से अदा करूं या जो फ़र्ज़ है उसको पूरा करूं, उस पर एक किताब लिखूं। फिर मैंने जब मालूम हासिल करने की कोशिश की तो कुछ मजामीन मुझे मिले, तो मैंने अपने जो अपनी याददाश्तें थी उनको मैंने फैलाया और जो ज़रूरी चीज़ें थी उनको शामिल किया। लखनऊ कौमी आवाज़ के एडिशन से मुतल्लिक जो मजामीन मिले उनको मैंने यकजा किया। बम्बई और पटना एडिशनों के मुतल्लिक कोई मजमून हमें नहीं मिला, तो हमने फिर पटना एडिशन में शुरू से और आखिर तक रहे रेहान गनी साहब को जहमत दी, उन्होंने एक मजमून लिखा, और बम्बई एडिशन के लिए सईद हमीद साहब को जहमत दी, उन्होंने एक मजमून लिखा, और जबकि श्रीनगर एडिशन के लिए दिल्ली कौमी आवाज के आखिरी एडिटर मोहन चरागली का एक मजमून हमें मिला। तो इस तरह से हमने उन सबको शामिल करके 5 जगह से निकलता था, 5 एडिशनों का अहाता करके हमने ये किताब तसनीफ की, और हम ये समझते हैं कि ये हमने एक इस काम से हमें ज़हनी तस्कीन हासिल हुई, क्योंकि जिसके पास भी ये किताब पहुंची अल्लाह का शुक्र है कि उसने इसकी सताइश की। तो इस किताब की तहरीर का पस मंज़र ही है।
जी, बेहद तफसील से आपने बताया कि किस तरीके से आपको तहरीक मिली और आपने अपना काम कैसे आगे बढ़ाया। साथ ही आपने ये भी बताया, और मेरे हिसाब से हम आगे बढ़ने से पहले, अगर हम कौमी आवाज़ के हवाले से बात करें, उससे पहले मैं चाहता हूँ आपके अपने एक जो दिलचस्प सवाल मेरे जहन में आ रहा है वो ये है कि आपका जो सहाफती सफ़र, या जो आप जैसे बता रहे हैं कि कौमी आवाज़ के इदारती शोबे में शमूलियत इख्तियार करने वाली आपकी आखिरी शख्सियत थी, और फिर आपने काफ़ी अर्से वहाँ काम किया, तो अपना थोड़ा सा सहाफती सफ़र के हवाले से भी आप बता दीजिएगा, तो वो हमारे नाज़रीन के लिए बड़ी सहूलत होगी। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि सहाफत के कूचे में मैं इत्तेफाकिया तौर पर आ गया। हुआ यूँ कि एमए करने के बाद मैं खाली था, यानी बेरोजगार था, मैं किसी मुलाजमत की तलाश में था। इसी दरमियान मेरी ख्वाहिश हुई कि क्यों ना मैं कुछ लिखने पढ़ने का काम करूँ। मैं बस्ती ज़िला उत्तर प्रदेश का बाशिंदा हूँ, तो वहाँ से मैंने एक रिपोर्ट उस वक्त के मकबूल हफ्तरोज़ा अखबारों में भेजा, तो उसके एडिटर मीर मफजल साहब ने उसको न सिर्फ यकी शाया किया बल्कि उन्होंने मुझे अपना बस्ती से नुमाइंदा बना दिया। उसके बाद मेरे हौसले बढ़े और फिर मैंने उनको रिपोर्ट भेजनी शुरू की। इसी दरमियान मैंने मुंबई के हफ्तरोजा उर्दू हफ्तरोजा ब्लिट्स, जो बहुत ही मयारी अखबार था, उसमें भी रिपोर्ट भेजनी शुरू की। उसने भी तवातुर के साथ मेरी रिपोर्टें शाया करनी शुरू कर दी। इस तरह से अगर ये कहा जाए कि मेरी सहाफत का आगाज हुआ तो गलत नहीं होगा। हालांकि ये बाजाबता आगाज तो नहीं था, बेसाबता आगाज था। इसी दरमियान मीर मफजल साहब का एक बार मुझे खत मिला और उन्होंने कहा कि तुम लिख सकते हो, तुम ऐसा करो कि हमारे दफ्तर में कौमी आवाज़ आकर के यहाँ काम करो। मैंने उनसे तमाम तफसीलात मालूम की और मुझे इत्मीनान हुआ। फिर मैं फरवरी 1987 में बाज़ाब्ता तौर पर दिल्ली आ गया। हालांकि उसके पहले भी मैं 2 साल दिल्ली में था और मकबा जामिया लिमिटेड में क्लरिकल जॉब में था, लेकिन बहरहाल सहाफत में मैं बाज़ाब्ता तौर पर उस वक्त आया फरवरी 1987 में। उसके बाद मैंने हफ्त रोज़ा नई दुनिया, हफ्त रोज़ा हमारा कदम, हफ्त रोज़ा मिल्ली टाइम्स, हफ्त रोज़ा जरीदा टाइम्स और महफूज रहमान के रिसाले, अपना हफ्त रोज़ा और बागबान, इनमें बाज़ाब्ता तौर पर मैंने काम किया। बल्कि इनमें से 2-3 अखबार तो ऐसे हैं जिनमें मैं एक तरह से एडिटर इंचार्ज था, और माहनामा अफकार मिल्ली के लिए मैंने बरसों तक मजामिन लिखे। इसके अलावा कुछ दूसरे तरह के रसायल के लिए भी, जैसे जो जराइम के रसायल निकलते हैं उनके लिए मैंने कहानियां लिखी और उनमें तर्जुमे का भी काम किया। तो इस तरह से, लेकिन जब मैं 1995 या 1996 में अचानक मेरे एक साथी ने जो कौमी आवाज में, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम कौमी आवाज में काम करना चाहो तो मैं बात करूं। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात होगी, मैंने रोजनामा अखबार में काम नहीं किया है और मैं चाहता हूँ काम करना। तो तब तक मैं 8 साल सहाफत में गुजार चुका था। फिर उन्होंने मोहन चनाजी साहब से बात की, उन्होंने मुझे बुला लिया। इस तरह से 1995 या 1996 में मैं उसके शोबे अदालत में शामिल हुआ और 1 अप्रैल 2008 को दिल्ली एडिशन जब बंद हुआ तब तक मैं उसमें काम करता था। जी, काफी दिलचस्प आपके सहाफती सफर का आगाज है, और तकरीबन 4 दहाइयां गुजर चुकी हैं आप सहाफत में मौजूद है। अब हम वापस जो आपकी किताब है उस पर लौटते हैं, तो मेरा जो आपसे अगला सवाल है वो है कि कौमी आवाज जो अखबार है, इस अखबार के मुताले बताइए कि अगर ये 60 बरस तक शाया हुआ तो इसकी कब बंद हुआ, ये आप बता रहे हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि इसका आगाज कैसे हुआ और कब हुआ था। देखिए, कौमी आवाज़ जब शुरू हुआ है दिसंबर 1945 में, तो उस वक्त हिंदुस्तान की जंग आज़ादी अपने आखिरी और फैसलाकुन मरहले में दाखिल हो चुकी थी। उस वक्त लखनऊ से एक रोजनामा निकलता था तनवीर, जो मुस्लिम लीग का नुमाइंदा था और दो कौमी नजरिया और क़याम पाकिस्तान की भरपूर हिमायत करता था। उसकी वजह से बहुत सारे मुसलमानों पर उसके असरात भी पड़ रहे थे। उसी दरमियान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 में एक हफ्तरोजा निकाला था हिंदुस्तान के नाम से। उसका एडिटर उन्होंने हयातुल्ला अंसारी को बनाया था, जो आलिम दीन भी थे और अलीगढ़ से फारिग होकर के वो पहुंचे थे लखनऊ, तो उनको उसका एडिटर बनाया। कई साल तक वो अखबार निकलता रहा। इशरत अली सिद्दीकी उसमें हयातुल्ला अंसारी साहब के मुआविन थे। 1945 में पंडित नेहरू ने एक फैसला किया अपने कुछ साथियों के साथ मिल करके कि क्यों ना हम 3 जबानों में अखबार निकालें। तो उन्होंने उर्दू में कौमी आवाज, अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड और हिंदी में नवजीवन, इन 3 अखबारों का इजरा किया 1945 में। उस वक्त जैसा कि मैंने अर्ज किया कि जंग आज़ादी फैसला मरहले में दाखिल हो चुकी थी, तो कौमी आवाज ने
तनवीर अखबार के बिल मकाबिल खड़े होकर के दो कौमी नजरिया और क्याम पाकिस्तान की सख्त मुखालफत और उसके नजरियात और उसकी पॉलिसियों की नफी की। और पंडित नेहरू चूंकि एक सेकुलर इंसान थे इसलिए कौमी आवाज की जो कौमी आवाज ने बुनियादी तौर पर फिक्री और नजरियाती सतह पर जो उर्दू सहाफत में एक उसूल दाखिल किया वो सेकुलरिज्म और सोशलिज्म का उसूल था। उसने सेकुलरिज्म को अपनाया और उसी के इर्द गिर्द उसने अपनी पॉलिसी बुनी और उसके बाद बहुत सारे उर्दू अखबारों ने उसी को अपनी पॉलिसी का बुनियादी जुज बनाया। इस तरह से दिसंबर 1945 में कौमी आवाज का इजरा हुआ, 1998 में लखनऊ कौमी आवाज बंद हो गया, इस दरमियान दिल्ली से 1980 में कौमी आवाज निकला, इसी दरमियान पटना से निकला, श्रीनगर से निकला, बम्बई से निकला, दिल्ली का कौमी आवाज 1 अप्रैल 2008 को बंद हुआ। तो ये उसकी मुख्तसर थी तारीख। जी बहुत आपने मुख्तसर वक्त में उसकी तफसील से तारीख बताई। यहाँ एक जगह आपने किताब में लिखा है अखबार में जो काम होता है, मतलब खेल खेल में अखबार तैयार होता है, मतलब जिस तरीके से शख्सी तौर पर हर फर्द उसमें शामिल होता था। तो यहाँ पर मैं जो एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ कि अखबार के जो औसतन सफात होते थे उसमें कौमी खबरें भी हैं, बैन अलाक़वामी खबरें भी हैं, तो इसमें बैन अलाक़वामी खबरों के हुसूल का तरीक़ेकार क्या था और फिर कौमी खबरें, अखबार खुद 5 एडिशन उसके होते थे तो वहां से उसकी खबरें होती थी और क्या उसके खबरों के मतलब अंदाजेकार पे मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए कि इदारती सफा जो होता था क्या वो 5 एडिशन में एक ही होता था या अलग अलग। नहीं, उस वक्त तो जाहिर है इंटरनेट नहीं था, इंटरनेट अब आ गया है और इंटरनेट की सहूलत के हिसाब से सहूलत से फायदा उठा करके आप एक ही जगह से 10वीं एडिशन निकाल सकते हैं। लेकिन उस वक्त चूंकि इंटरनेट नहीं था तो जाहिर है हर जगह का एडिशन आजादाना तौर पर अपने तौर पे काम करता था। अलबत्ता ये होता था कि लखनऊ एडिशन के मजामीन अगर मिसाल के तौर पे बम्बई या पटना एडिशन के एडिटर को अच्छे लगे वो मजामीन तो उन्होंने अपने यहाँ उसकी किताबत करवाई। आज तो यह है कि कंपोजिंग हो गई, एक जगह से आप सैकड़ों जगह भेज सकते हैं। उस वक्त किताबत करनी पड़ती थी और हर एक एक लफ्ज की किताबत होती थी। तो जाहिर है हर जो है एडिशन आजादाना तौर पर अपना काम करता था। जहां तक सफहात का ताल्लुक है तो कौमी आवाज में खबरों के और मजामीन के नवीये से सफहात तकसीम हो गए थे जैसा कि आमतौर पर अखबारों में होता है। मिसाल के तौर पर दिल्ली कौमी आवाज का सफा 4 और बैन अलाक़वामी खबरों के लिए मखसूस था, सफा 3 इदारती सफा था, हफ्ते में एक रोज फिल्मी सफा बनता तो सफा 5 होता था, सफा 6 बकिया का सफा होता था, सफा 7 खेल का सफा होता था और सफा 8 जो आखिरी सफा होता था वो दिल्ली की खबरों के लिए होता था, सफा 2 पर अजला की खबरें हुआ करती थी। तो जो अजला की खबरें होती थी वो जाहिर है जो अजला में कौमी आवाज के नुमाइंदे होते थे वो भेजते थे और उसको डेस्क पे बैठने वाले सब एडिटर और मुतरजमीन उसको पढ़ते थे, उसकी इसलाह करते थे, पॉलिसी के एतबार से उसमें अगर कुछ तब्दीली करनी तब्दीली करते थे, जबान व बयान दुरुस्त करते थे, जुमला सही नहीं है उसके दरोबस्त ठीक नहीं है उनको ठीक करते थे। मैं आपको एक मिसाल दूं कि जब UNI उर्दू सर्विस शुरू हो गई और उसके बाद कौमी आवाज में भी उसकी सर्विस लग गई तो एक बार ये खबर आई ISI यानी इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के ताल्लुक से एक खबर आई और वो इत्तेफाक से खबर मेरे पास आई, शाम की शिफ्ट में मैं था। तो मेरा अपना ख्याल है कि शायद वो कौमी आवाज सॉरी वो UNI के जो तर्जुमा निगार रहे होंगे मुतर्जिम रहे होंगे उन्होंने कलम घसीटते हुए उसका तर्जुमा किया तो ISI को जो उन्होंने लिखा तो ऑपरेटर ने उसको 151 समझा और उसने 151 कंपोज कर दिया और वो पूरी खबर में 151 चलता रहा। जब वो खबर मेरे पास आई मैंने देखा, मैंने कहा भाई ये 151 का तो पता चला वो ISI है अल्फाबेट है। तो फिर मैंने उसकी तस्दीक की और अगले दिन हमने देखा कि तमाम अखबारों में वो उसी तरह से एज इट इज ISI ही छपा हुआ था। तो बहुत सारे अखबार नहीं देखते हैं जबकि ये डेस्क पे बैठने वाली की जिम्मेदारी है कि अगर बाहर से कोई खबर आ रही है, कोई रिपोर्ट आ रही है, कोई मजमून आ रहा है तो उसको देखे, उसमें जबान बयान की गलतियां हैं तो। बाकी जो बैन अलाक़वामी खबरों का मामला था वो जाहिर है PTI की अंग्रेजी सर्विस लगी हुई थी, UNI की अंग्रेजी सर्विस लगी हुई थी तो उन सर्विसेज से जो बैन अलाक़वामी खबरें आती थी बैन अलाक़वामी खबर रसा इदारों की उनको मुतरजमीन तर्जुमा करते थे और उनका तर्जुमा करना आसान नहीं होता था।
कुछ खबरें तो आसान होती थी, लेकिन कुछ खबरें अपने मिजाज की नोयत से बड़ी मुश्किल होती थी, और उनका तर्जुमा वही कर सकता था जो दोनों जबानों पर अबूर रखता हो या महारत रखता हो या जिसको तर्जुमे का फन आता हो। कौमी आवाज में हम लोगों को सिखाया गया कि जब किसी खबर का तर्जुमा किया जाए तो मक्की पे मक्की ना मारा जाए, बल्कि उसका मफहूम ले लिया जाए और उस मफहूम को अपनी जबान में इस तरह से अदा किया जाए कि वो तर्जुमा लगने के बजाय वो असल खबर लगे। इशरत अली सिद्दीकी ने अपने एक मज़मून में लिखा है कि तर्जुमा करते वक्त अगर जुमला गुंजलक हो रहा है तो आप उसको पढ़ करके बोल करके देख लें कि वो आसान है कि नहीं है, सादा है कि नहीं है। वो आसान अगर है तो ठीक है, वरना उसको आसान बनाइए ताकि सबकी समझ में आ जाए। कौमी आवाज में ने ज़बानो बयान की सतह पर भी काफ़ी तब्दीलियाँ की। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस पर कुछ रोशनी डालना चाहता हूँ कि कौमी आवाज ने ज़बान व बयान के ताल्लुक से काफ़ी तब्दीलियाँ की, इस्लाहात की, कुछ उसूल मुकर्रर किए। मिसाल के तौर पे कौमी आवाज से कबल अखबारों में बहुत ही मुकफ़ा मुसज्जा इबारतें इस्तेमाल होती थीं। उन्होंने लिखा है कि उर्दू अखबारों में कोई आता जाता नहीं था बल्कि तशरीफ लाते थे, तशरीफ ले जाते थे। तो उसको उन्होंने किया कि भाई ये तशरीफ लाना ले जाना नहीं बल्कि फलां साहब आए फलां साहब। नामों के पहले अलकाब व आदाब लगाए जाते थे, उनको खत्म किया, सिर्फ मिस्टर या श्री लगेगा। इसी तरह से इमला में उन्होंने तब्दीली की, आसान जबान बनाने पर जोर दिया। तो ये सारी खिदमात कौमी आवाज की। अच्छा सोहेल साहब, यहाँ पर आपने कहा कि आसान जबान के हवाले से, तो एक जो नुक्ते नजर है कि शायद सहाफी और आपका जो देरीना तजुर्बा है उसकी रोशनी में आप बेहतर तौर पर बताएंगे कि सहाफत का काम आसान जबान इस्तेमाल करना है या जबान को आसान बनाना है? दोनों बातें हैं, जबान को भी आसान बनाना है और आसान बना के उसको इस्तेमाल भी करना है। अदब की जबान और सहाफत की जबान मैं समझता हूँ दोनों में फर्क है। अदब में तो आप चाहे जैसी भी जबान इस्तेमाल करें अपने कारी को सामने, उसमें भी कारी को सामने रखना पड़ता है। अखबार चूंकि आम आदमी के लिए होता है, जो सड़क पर रिक्शा चला रहा है उसके लिए भी होता है, जो चाय का होटल चला रहा है उसके लिए भी होता है, अखबार वो पढ़ता है, इसलिए उसमें जबान आसान होनी चाहिए। और अब जैसा आपने कहा कि आसान जबान बनाना या आसान जबान इस्तेमाल करना, तो कौमी आवाज ने जो मुश्किल जबान थी उसको आसान बनाया। मिसाल के तौर पर अक्वामे मुत्तहिदा को उसने मुत्तहिदा अक्वाम कर दिया, बैनल अक्वामी को बैन अक्वामी कर दिया। हिंदुस्तान में दाल के बाद दाल और सीन के दरमियान वाव लगता था, उसने वाव को हटा दिया, हिंदुस्तान कर दिया, हिंदुस्तान के बजाय हिंदुस्तान कर दिया। इसी तरह से इमला में उलमा फुजला तलबा वगैरह के आखिर में हमजा लगता था, उस हमजे को खत्म कर दिया। और एक तरह से उसने एक ऐसी जबान राइज करने की कोशिश की कि जो आम आदमी की समझ में आ सके, और बाद में फिर बहुत सारे अखबारों ने इस उसूल को। कौमी आवाज़ के हवाले से आपने एक जगह एक मज़मून उसमें शामिल किया है कि कौमी आवाज़ सहाफ़त की यूनिवर्सिटी था, और बहुत सारे जो सहाफ़ी हैं पहले वो बाज़ाब्ता तौर पर इसकी सहाफ़त की सनद नहीं रखते थे, लेकिन उन्होंने सहाफ़त में काफ़ी खिदमात अंजाम दिया और काफ़ी नाम कमाया। तो इस हवाले से बताइएगा कि कौमी आवाज़ को जब एक इदारा कहा जा रहा है जहाँ पर तरबियत होती है, उस हवाले से बताइएगा। बात आपकी सही है के कौमी आवाज़ एक इदारा की हैसियत रखता था। अब जो नया दौर आया है उसमें जाहिर है जर्नलिज्म और सहाफत की डिग्री और उसके कोर्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई डिप्लोमा नहीं है, तो शायद कोई अखबार आपको अपनी जगह नहीं देगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर आप जबान जानते हैं, आप तर्जुमा कर सकते हैं, आप अच्छी उर्दू लिख सकते हैं, तो आपके लिए अखबार में जगह है। दिल्ली कौमी आवाज़ में एक बार ऐसा हुआ कि एक साहब किसी आला तालीम याफ्ता शख्स को लेकर के आए और उन इशरत अली सिद्दीकी साहब से कहा कि इनको रख लीजिए, ये बहुत पढ़े लिखे हैं। उन्होंने कहा तो ठीक है, इन्होंने ये किया वो किया, लेकिन ये बताइए ये तर्जुमा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उन्होंने कहा मैं तर्जुमा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा तो फिर अखबार में आपकी ज़रूरत नहीं है, हमें तो मुतरजिम चाहिए। तो यह है कि तर्जुमा कर सके और जबान अच्छी लिख सके, आसान लिख सके। और यह है कि जहाँ तक आपने इदारे की बात की कि उसमें कैसे लोग हुआ करते थे, तो अभी सुहेल ने भी ये बात लिखी जो कौमी आवाज से वाबस्ता थी, और एक मारूफ अदीब और नक्काद कैसर तमकीन ने भी अपनी खुदनविश्त खबरगीर में लिखा है कि कौमी आवाज में जो उसका दफ्तर था उस पर दफ्तरियत नहीं बल्कि अदबियत गालिब रहा करती थी। अदबी मुबाहसे होते थे, अदबी मुशगाफियाँ होती थी, फला लफ्ज दुरुस्त है कि नहीं है इस पर घंटों घंटों बल्कि दिनों दिनों तक
बहस होती थी। इशरत अली सिद्दीकी ने लिखा कि एक बार हमने अखबार में लिखा गुंडा गैम से, तो एहतशाम हुसैन साहब ने उनको फोन किया और कहा कि ये लफ्ज गैम से नहीं है, ये गाफ से है, ये गुंडा है। उन्होंने कहा हमने हम लोग गैम से इसलिए लिखते हैं ताकि जोर पैदा हो सके। उन्होंने कहा कि जोर पैदा करने के लिए जबान को खराब मत करो। तो जबान पर बड़ी तवज्जो दी जाती थी। पहले कहा जाता था कि आपको अगर अपनी जबान की इस्लाह करनी है तो आप अखबार पढ़िए, और हम लोगों ने बचपन में खुद अखबार पढ़ करके उर्दू सीखी है। बहुत सारे ऐसे अल्फाज जो बचपन में हम लोगों ने अखबार में पढ़े वो आज तक जहन नशीन है। तो उसमें खासतौर से कौमी आवाज लखनऊ एडिशन में बेशतर जो शोबे अदारत में थे, कोई शायर था, कोई अदीब था, कोई नक्काद था, कोई किसी तहरीक से वाबस्ता था, और सब का अदबी शौक था और बहुत अच्छी जबान वो लोग लिखते थे। देखिए सादा और आसान जबान तो होनी भी चाहिए, लेकिन अगर आप कोई मजमून लिख रहे हैं, कोई कॉलम लिख रहे हैं, कोई ऐसा जो आम खबरों से अलग हट करके कोई चीज लिख रहे हैं, उसमें अगर आप अदब इंशा की आमेजिश कर दें तो फिर जबान बड़ी शगुफ्ता हो जाती है। आप देखेंगे जो हमारे मुतकदमीन सहाफी जो पुराने सहाफी रहे हैं उनमें से बेशतर शायर अदीब अफसाना नगार रहे हैं और बड़े आला पाए के रहे हैं। तो जाहिर है उनकी जो जबान थी उसने उर्दू सहाफत की जबान को अदब की चाशनी थी, वो अदब की चाशनी आज खत्म हो गई है। वो जो अदब इंशा की आमेदिश होनी चाहिए वो अब नहीं रह गई है। मैं कुछ है इक्का दुक्का लोग हैं, मैं जाती तौर पे ये कोशिश करता हूँ कि कम से कम अपने मजामीन और कालमों में ऐसी जबान इस्तेमाल करूँ कि जो थोड़ी बहुत, अगर पूरी तरह से तो ना सही लेकिन थोड़ी बहुत लोग कहें, थोड़ा बहुत लोग कहें कि हाँ इसमें अदब की चाशनी है। प्रोफेसर अब्दुल हक साहब ने मेरे सिलसिले में एक मजमून में लिखा है कि मुझे इनकी तहरीरें इसलिए भी पसंद हैं कि उसमें अदबी चाशनी होती है। तो कौमी आवाज के दफ्तर की ये जी सुनील साहब, यहाँ पर मैं जो दूसरा सवाल आपका करना चाह रहा हूँ अखबार से आपकी वाबस्तगी और किताब के पस मंजर में, आपने जिस जमाने में जिस दौर में कौमी आवाज़ में शमूलियत इख्तियार की वो किताबत का दौर था, यानी कातिब हुआ करते थे, फिर उसके बाद कंप्यूटर का भी जमाना आया, तो ये बताइएगा कि किताबत के जमाने में रात देर गए अगर आप काम कर रहे हैं तो कब तक आप खबरें लिया करते थे, और फिर कंप्यूटर आया तो कैसे आपने, या उस वक्त के जो कातिब हजरात थे उन्होंने कंप्यूटर के चैलेंज का बोलूं या मैं मौका जो मौका कंप्यूटर ने फराहम किया उससे कैसे इस्तेफादा किया? आमतौर पर रोजनामा अखबारात में जो छोटे होते हैं वो शाम में 9-10 बजे 9 बजे 10 बजे वो बंद हो जाते हैं, उनका एडिशन खत्म हो जाता है, उसके बाद की खबर होने। लखनऊ में भी ये रिवाज रहा और दिल्ली में भी ये रिवाज रहा कि लेट नाइट शिफ्ट हुआ करती थी, और हमने भी बहुत सालों तक लेट नाइट शिफ्ट होल्ड की। वो 2 बजे 2:30 बजे तक वो शिफ्ट चलती थी, कम से कम 2:30 बजे तक, और उसमें फिर एक इंचार्ज होता था शिफ्ट होल्ड करता था जो, और उसके अलावा एक या दो सब एडिटर होते थे, मुतरजिम होते थे, और 2 या 3 कातिबों को रखा जाता था जो ताकि अगर कोई अहम खबर आ गई है तो उसकी वो किताबत कर सकें। और फिर वो जाहिर है उस वक्त तो कंप्यूटर नहीं था तो फिल्म बनती थी, उसमें फिर मिसाल के तौर पर अगर हमें कोई खबर तब्दील करनी है तो हम एक नई खबर बनाते और उतनी ही जगह में कातिब से लिखवाया जाता था और फिर जगह को उस पुरानी खबर निकाल दिया जाता था, ये नई जो लगाई जाती थी वो वहां चस्पा कर देती थी और फिर वो फिल्म बनाने वालों को, प्लेट बनाने वालों को निशानदेही कर दी जाती थी कि ये नई खबर है इसकी नई फिल्म बनेगी, फिर वो उसकी नई फिल्म बनाते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि आधा से ज्यादा पेज या कभी कभी पूरा पेज चेंज हो जाया करता था तो फिर वो पूरे पेज की फिल्म बनती थी, पूरे पेज की प्लेट बनती थी। जब कंप्यूटर आया तो फिर ये हुआ कि वहाँ कौमी आवाज में मेरे ख्याल से मैं जब गया हूँ तो 30-35 कातिब थे, टोटल स्टाफ वहाँ का 65-70 अफराद पर था जिसमें से 20 तो शोबे अदारत में थे और 25-30 कातिब थे। कौमी आवाज की इंतजामिया कमेटी को मैं दाद दूंगा, उसकी तारीफ करूंगा कि उसने किसी भी कातिब को नहीं निकाला, सबको यह मौका दिया कि वो कंप्यूटर सीखें और कंप्यूटर पर आकर काम करें। जाहिर है इतने सारे लोग कंप्यूटर पर तो नहीं खप सकते, कंप्यूटर 3 या 4 या 5 लगेगा, एक रोजनामा अखबार के लिए 5-6 कंप्यूटर, दादा 10 कंप्यूटर रख लीजिए, और 30-35 कातिब थे। तो फिर उसमें से जिन लोगों ने, कुछ लोगों ने कंप्यूटर सीख लिया उनको कंप्यूटर पर जगह दी गई, बाकी लोगों से कुछ दूसरे काम कराए गए। मिसाल के तौर पर किसी दिन कंप्यूटर पर काम नहीं हुआ तो किसी से कह दिया गया कि तुम ये खबर लिख दो, किसी से कह दिया गया तुम ये सुर्खी लिख दो, तो इस तरह से उनको एडजस्ट किया गया। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि
कौमी आवाज से पहले जो सुर्खियां लगाई जाती थी उनमें इस बात का कोई लिहाज नहीं रखा जाता था कि सुर्खी नुमाया हो रही है कि नहीं। हयातुल्ला अंसारी और इशरत अली सिद्दीकी ने ये उसूल बनाया कि दो कालमी सुर्खी में कितने अल्फाज रहेंगे, तीन कालमी में कितने रहेंगे, चार में, पांच में, छह में कितने रहेंगे। हम लोग जब खबर बनाते थे उसकी सुर्खी लगाते थे तो हम गिन लिया करते थे कि ये तीन कालमी है और इसमें पांच अल्फाज होने चाहिए, पांच अल्फाज से ज्यादा तो नहीं हो रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि हमसे नहीं हो पा, हमने पांच जगह पर सात अल्फाज, आठ अल्फाज इस्तेमाल कर दिए। फिर हम जब शिफ्ट होल्डर को देते थे तो उसमें देख करके उसको उसमें वो सही करते थे। इस मामले में सफर जाहिदी साहब एक हुआ करते थे दिल्ली में न्यूज एडिटर के, उन्होंने इशरत अली सिद्दीकी से यह फन सीखा था कि वो अगर आपकी सुर्खी में अल्फाज कुछ ज्यादा है, पांच अल्फाज चाहिए, आठ या नौ अल्फाज हैं, तो अलग से वो सुर्खी नहीं लिख देते, उसी सुर्खी में से कुछ अल्फाज काट करके उसको इस तरह से बना देते थे वो अल्फाज भी कम हो जाते थे और सुर्खी जामे और नुमाया। जी, सुर्खी का फन भी जो है वो वहाँ पर कौमी आवाज़ में बहुत कुछ सिखाया है अपने यहाँ काम करने वालों को। आज वो एक तारीख का अहम हिस्सा है, आपने किताबी शक्ल में उसको पेश भी किया है। आज के इस इंटरव्यू का मेरा आपसे आखिरी सवाल कि कौमी आवाज़ अब तारीख का हिस्सा बन गया है, सहाफ़त इस बरस अपने 200 बरस मुकम्मल कर रही है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप सहाफ़त का जो मुस्तकबिल है, आगे का जो उसका आप तस्वीर देखते हैं या मंजरकशी आप जो कर सकते हैं उस हवाले से बताइएगा। आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उर्दू जबान जवाल आमादा है तो उसकी सहाफत भी जवाल आमादा है, इसमें बड़ी हद तक सदाकत है। लेकिन जिस तरह से आज मिसाल के तौर पर कारपोरेट का दाखिला उर्दू सहाफत में हुआ है और पहले राष्ट्रीय सहारा, उसके बाद फिर इनकलाब, इन दोनों अखबारों ने जिस तरह से उर्दू सहाफत की खिदमत की है या जिस तरह से उसको उसको उरूज पर पहुंचाया है, तो उसके पेश नज़र मुझे ये नहीं लगता कि उर्दू सहाफत का मुस्तकबिल तारीख है, क्योंकि हालात बदलते रहते हैं, हालात हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं। आज कारपोरेट का दाखिला हुआ है, कई जगहों से इनकलाब के एडिशंस निकलते हैं, राष्ट्रीय सहारा के एडिशंस निकलते हैं, और अगर आप उसमें जाएं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो रामोजी राव का ईटीवी था। तो अगरचे जो आजकल मदारिस से फारिग होने वाले बहुत सारे लोग सहाफत में आ रहे हैं उनकी जबान अच्छी नहीं है, या यूनिवर्सिटियों से निकलने वाले जो लोग हैं उनकी जबान कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ हम लोगों की जबान अच्छी नहीं थी, लेकिन काम करते करते आदमी आदमी की बस होती है और फिर जबान भी उसकी अच्छी हो जाती है, वो बहुत कुछ सीखता है वक्त के साथ साथ और अपने रफ्तार के साथ साथ। तो मेरा अपना ख्याल यह है, मेरा जाती ख्याल है, इससे कोई इत्तेफाक करे या ना करे वो अलग बात है, लेकिन मैं नहीं समझता कि उर्दू सहाफत एक जवाल आमादा सहाफत है। नाजरीन, शायद कुछ तकनीकी खराबी हो गई जिसके सबब हम बात नहीं कर सके। आज की हमारी जो मौजू था आज के हमारे एपिसोड का, वो इस किताब के हवाले से जदीद उर्दू सहाफत का मेमार कौमी आवाज़, किताब के मुसन्निफ जनाब सोहेल अंजुम साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा किसी नए मौजू पर मुलाकात होगी। बेहद शुक्रिया।